अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फाइनली वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत दिन लग गए सोचने में कि आखिर व्लॉग बनाऊं कि ना बनाऊं। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इट कुड मे बी माई लास्ट व्लॉग, उसका रीज़न ये था क्योंकि मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था कि सिर्फ मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ पर ही व्लॉग्स बनाने हैं, ताकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को कैप्चर करके एक सेफ जगह रख लूँ, जब याद है बंदा देख सकता है। जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई तो फिर मेरे तरह यही था कि यूनिवर्सिटी ख़त्म, व्लॉगिंग ख़त्म। इस वजह से फिर मैंने कहा था कि मैं आइंदा व्लॉग शायद ना बनाऊं, क्योंकि क्या बनाऊं मैं, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या ही बनाऊं। यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए कोई देख लेते थे, व्यूज़ आ जाते थे तो अच्छा भी लगता था कि चलो कोई मेहनत अगर कर रहे हैं तो वो लोग पसंद कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे और प्यारे प्यारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आपकी व्लॉग्स कब आएंगे, और मेरा कोई मूड नहीं था और मैं सीधा सीधा कह देता था कि भाई मैंने छोड़ दिया। तो मैं अब आप लोगों के लिए, अब इस पर व्यूज़ आए ना आए आई डोंट केयर, ये सिर्फ प्योर हार्टेड मेरा आप लोगों, उन खास लोगों के लिए है जिनको वाकई ही मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। तो आज के व्लॉग का सीन ये है कि एक सडन प्लान बन गया है इस्लामाबाद का, और अब इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। फैमिली ट्रिप नहीं कह सकते, काम से जा रहे हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि व्लॉग दोबारा बनाऊँ, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। आखिर रहीम खान में ऐसा है क्या कि मैं व्लॉग बनाऊँ, पर्सनल लाइफ में क्या दिखाऊँ। जब से यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है, लाइफ न्यू चल रही है, डेली सेम साइकिल रिपीट हो रहा है। तो जब इस्लामाबाद का सीन सामने आया तो मैंने कहा ये एक अच्छा चांस है कि दोबारा से स्टार्ट लेने का। वो तो बंदा वापस आके शहर में भी कुछ ना कुछ निकाल लेता है, लेकिन वो एनर्जी जो इतने टाइम से ख़त्म हो गई थी और मैं माइंड में ये सोच के बैठा था कि अब मैंने नहीं करना दोबारा, तो वो दोबारा लाने के लिए कोई ना कोई एक रीज़न चाहिए था, एक अच्छा। तो वो इस्लामाबाद था, तो मैंने इसको पकड़ लिया कि चलें यहीं से शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का, आपका आपकी मोटिवेशन का, क्या आज ये वीडियो बन रही है दोबारा से। बस फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सफ़र शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज जुम्मा था और जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है, खाना शाना खा लिया है, और इस वक्त बस एसी के नीचे बैठे हुए हैं क्योंकि बाहर बहुत हब्स है। तो बस निकलने से पहले जितनी देर तक तैयारियां चल रही हैं, मैंने कहा थोड़ी देर हवा लगवा लें। मेरे साथ जनाब साहब भी एक मौजूद हैं, ये जी हमारे साथ सफ़र के साथी हैं, लेकिन ये कोई अजीब ही शय हैं, दिमाग खाया हुआ है इन्होंने। ये जी इस्लामाबाद जा रहा है, और सर खाया हुआ है इसने कि इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद जाना है, मतलब इसके हिसाब से इस्लामाबाद ऐसे गली के बाहर खड़ा हुआ है कि हमने यहाँ से निकलना है। अभी कोई 10 ही घंटे का सफ़र करना है इसके साथ एक ही गाड़ी में। या अल्लाह सब्र अता फरमा। मसला क्या है तुम्हें? हैं? तो ये सफ़र की तैयारी पूरी हो चुकी है और सफ़र की लुक में हम आ गए हैं। कैजुअल लुक ठीक रहती है क्योंकि सफ़र में कंफर्टेबल यही रहता है। तो बाकी सफ़र का आगाज़ होने लगे, दुआ करें सही सलामत हम पहुँचे, बाकी सफ़र दिखाते हैं आपको। तो इधर मस्जिद के पास ब्रेक लगी है, एक कोई रेस्ट एरिया है रास्ते में, इधर हम पढ़ेंगे नमाज। तो ये है जी यहाँ की मस्जिद जहाँ हम रुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नहीं तो ये तोहफा जो हमारे साथ आया है ना, इसने बोल बोल के सर खा लिया। क्या मसला है? इधर आ दो, वहाँ पे पुलिस वाले, पुलिस खड़ी है वहाँ, पुलिस के हवाले कर दूँ? जब उनको बताऊँगा आप तंग कर रहे हो मुझे। पूरा सफ़र जी मतलब इसने मुसलसल बोला है। खैर शुक्रिया हैंड फ्रीज का कि उन्होंने मुझे इसके शोर से बचाया कुछ देर के लिए। चलो हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, बाय 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 बाय। तो नमाज़ पढ़ के फ्री हो गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ टक शॉप की तरफ। वाओ मोटरवे पुलिस की फॉर्च्यूनर खड़ी है ये, उसके अलावा हमारी गाड़ी वो दूसरी तरफ खड़ी है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की अशद ज़रूरत पेश आई है। जो एंट्री मारो अंदर, हाँ देख लो गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो जी रात बेगर से हमें मिली है पेप्सी, कोला नेक्स्ट इनके पास थी नहीं, लेकिन कोला नेक्स्ट की ऐसी आदत लगी है, मतलब उसका टेस्ट अच्छा है। बायकॉट तो बायकॉट एक अलग चीज़ है,
लेकिन अपने मुल्क की अगर चीज़ें अच्छी होने लग जाएं, जैसे अब ये कोरोना अच्छी है और सबको पसंद भी आई है, आदत भी लग गई है, अब इवन कि ये फजूल लग रही होती है फिलहाल यहाँ पे, वो थी नहीं कोक की थी या तो पेप्सी ली है फिलहाल। ना चाहते हुए एक और दफ़ा ब्रेक लग गई और हम इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले फिर एक जगह स्टे कर रहे हैं, स्टे नहीं कर रहे, कुछ देर के लिए रुके हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम चकवाल में, चकवाल में ये जगह है दारुल कमाल, काफ़ी खूबसूरत और पीसफुल जगह है। मैं तो जा रहा, आप बैठो अकेले। यस इस टाइम हम इस्लामाबाद के अंदर खड़े हैं, अभी हम आए हैं जी तहसीब बेकर्स। तहजीब बड़ा नाम इसका देखा था टिकटॉक पे, कभी यहाँ के बड़े अच्छे पिज़्ज़े हैं, तो आज चेक करने आए हैं, देखते हैं क्या माहौल है इधर का। तो ये है नाज़रीन तहजीब बेकर इस्लामाबाद, ये है जी यहाँ का माहौल, ये हैं इधर के आइटम्स, वो केक लगे हुए हैं और यहाँ पर इनको पिज़्ज़ा डिलीवर हो रहा है, ये इनका लाइव किचन है जहाँ पर पिज़्ज़ा बन रहा है। ये है जी इनका मेन्यू, मैं तो समझ रहा था यहाँ पे होगी कोई सिटिंग सिटिंग होगी, इजी होगी, बैठेंगे खाएंगे, लेकिन यहाँ तो बेकरी है वाकई, सिर्फ लो और जाओ। A few moments later, खैर 24 घंटे के बाद हम अपने आखिर घर पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए आपके सामने एक और करेक्टर अनलॉक करते हैं, मिलिए मिस्टर हारिस से। अस्सलाम वालेकुम, इधर देखो, इधर देखो, इससे मिलिए, ये हैं जी हमारे भांजे। ओए ओए ओए, बाबा आ गए। किसके बाबा आ गए? बाबा, ओ माशाल्लाह, बाबा बोलने लग गए। इधर देखो, हेलो कर दो सबको, हेलो कर दो, हेलो कर दो। तो ये है जी हमारे सफर के नए साथी, नए करेक्टर हमने अनलॉक कर दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह अभी मजीद इस्लामाबाद की वीडियोज आएंगी और हम इनके साथ बहुत मजा करने वाले हैं। चलो अलाउ कर दो सबको, को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल जी सब लाइक कर दें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़।